बेटा प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आज दूरियों के प्रकार एवं वेग के बारे में बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। सबसे पहले आता है दूरियों के आकार एवं प्रयोग के अनुसार दूरियाँ कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है वी आकार, ये दूरियाँ जैसे मीट्रिक है, BSW है, BSF है, BSB है और अमेरिका इंटरनेशनल थ्रेड है। ये दूरियाँ अंग्रेजी की अक्षर भी आकार की होती हैं। इसको काटने के लिए बैंड मिलिंग कटर, टैप एवं डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें निम्न चूड़ियाँ आती हैं। सबसे पहले मीट्रिक है, ये चूड़ियाँ भारतीय मानक संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनका सन्निहित कोण 60 डिग्री होता है। ये चूड़ियाँ 0.25 से लेकर 300 mm तक के व्यास पर काटी जाती हैं। इनका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए, आम कार्यों के लिए किया जाता है। यह कोर्स और फाइन पीस दोनों में काटी जाती हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के एम अक्षर का प्रयोग व्यास से पहले किया जाता है। यदि व्यास के बाद में इसका पिच न रखा जावे तो ये समझा जाता है कि ये चूड़ी कोर्स पिच की है। जैसे M8:1 की भी होती है, यदि यदि आपने M8:0 नहीं लिखा है या पिच नहीं लिखी है तो वह चूड़ी M8:1.5 की मानी जाएगी, न कि नंबर दो BSW का सन्निहित कोण 55 डिग्री का होता है। यह ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार W.S. जाट ने, विपर्ट ने 1821 में किया था। उसी के नाम पर इसका चूड़ी का नाम पड़ गया था। इसका संगीत कौन 29 डिग्री होता है।
इसे ब्राउन एंड शार्प थ्रेड भी कहते हैं। ये चूड़ी एक्टिव थ्रेड की तरह होती है परंतु इसकी गहराई अधिक होती है और रूट और कट कम चौड़े पाए जाते हैं। इसका प्रयोग भी पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। नकल थ्रेड, ये चूड़ी वहां प्रयोग की जाती है जहां भारी वजन खींचना हो, जैसे रेलवे कपड़े आदि। ये चूड़ी रोल करके बनाई जाती है। रोल कर इसके रूट और कट अनुकूल होते हैं। रोल करके बनाई जाने वाली चूड़ी टूल द्वारा काटे जाने वाली चूड़ी से अधिक मजबूत पाई जाती है। बटरेस थ्रेड, ये चूड़ी वहां प्रयोग की जाती है जहां एक ही दिशा से अधिक दबाव पड़ता हो, जैसे ट्यूब रिलीज वाइज रैकेट आदि। इस चूड़ी का एक साइड 45 डिग्री और दूसरा अप्लीकेशन कोण पर बनी हुई होती है। इसके बाद आता है स्टीम गेज। यह गेज रेडियस गेज की तरह होता है। इसमें स्टील की कई पट्टियां होती हैं और उनको एक होल्डर में स्टील के द्वारा कस दिया जाता है। प्रत्येक पट्टी पर थ्रेड पर ही अथवा पिच लिखी रहती है। प्रत्येक स्क्रू पिच का इसका प्रयोग किसी भी नट अथवा स्क्रू की चूड़ी का पिच नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक चूड़ी का अपना अलग अलग कोण होता है, जैसे BSW का 55 डिग्री, मीट्रिक थ्रेड का 60 डिग्री, BA का 47.5 डिग्री। मीट्रिक स्क्रू पिच गेज में 24 पत्तियां होती हैं जिनके द्वारा 0.25 mm से लेकर के 6 mm तक की पिच मापी जाती है, जबकि इंग्लिश स्क्रू पिच गेज में 30 पत्तियां होती हैं जिनके द्वारा 4 चूड़ी प्रति इंच से लेकर 42